हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हाउ डज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द प्लांट्स बॉडी। प्लांट क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स बॉडी ऑल्सो। तो कैसे या क्या क्या सिस्टम्स हैं विच आर हेल्पिंग अ प्लांट इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Okay, and that was from chapter 7, control and coordination of class 10th science. Class 10th ke science ka jo chapter hai, chapter number 7, that is control and coordination. In our previous video, we have discussed about the control and coordination in plants. Okay, now today, in our this video, we are going to study about the control and coordination in animals. एनिमल्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विथ। सो स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज मेनली डन विद हेल्प ऑफ द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है उसकी हेल्प से मेनली हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इन ईजी वर्ड्स आप कैसे समझ सकते हैं। सपोज अबाउट योर स्कूल और इंस्टीट्यूशन, हमारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, ही इज़ कंट्रोलिंग आर स्कूल, होल स्कूल। हमारा जो पूरा स्कूल है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाई आर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ही इज़ कंट्रोलिंग द टीचर्स, द वर्किंग ऑफ टीचर्स। ही इज़ कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स, हाउ स्टूडेंट्स आर बिहेविंग और एंटरिंग इन द स्कूल और वट दे आर डूइंग इन द स्कूल, एज वेल एज द अदर एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल। तो जैसे एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सारे स्कूल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारा ब्रेन जो है वो भी हमारे अदर एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वेदर इट्स walking, whether it's speaking, it's running, it's painting or any kind of activity which we are doing, that is controlled by our brain, वो हमारे brain से control होगा। तो यही चीज़ control and coordination है। coordination का मतलब क्या है? The other parts of the body, एक तो controlling center हो गया, that is brain, and other parts of the body, हमारे जितने भी organs हैं, they coordinate with the brain, जो brain कहता है, जो brain signals देता है, we are following that, तो that is the coordination, तो control and coordination animals में जो होगी, this is with the help of two things, वो दो चीज़ें या दो systems क्या हैं, the first one is hormones, पहला system यहाँ पे आ जाता है hormones का, and the second system is of nervous system or about the brain. Brain या nervous system, ये आपका second system है which help control and coordination in animals. तो सबसे पहली बात आ जाती है hormones की। What are hormones? Hormones are the chemical messengers, means hormones are the chemicals which are released by our certain glands and they help in our control and coordination. हमारी body के अंदर कुछ chemicals release होते हैं, हमारे जो glands होते हैं, endocrine as well as the exocrine glands. तो वहाँ पर mainly जो endocrine glands हैं, they are secreting hormones. जो hormones हैं, ये वो chemicals हैं जो हमारे endocrine glands, जिन्हें हम ductless glands भी कहते हैं, जो directly अपनी secretion को blood में भेज देते हैं, they are known as the endocrine glands. उन्हीं की सेक्रेशंस होती हैं ये हॉर्मोन्स। सो दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, ये वो केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या मैसेंजर का काम करते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट द हॉर्मोन्स। नर्वस सिस्टम आई हैव एक्सप्लेन, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स मेनली। पहले हॉर्मोन्स की बात करते हैं, आफ्टर हॉर्मोन्स वी विल टेक अ लुक एट द नर्वस सिस्टम ऑल्सो। तो जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। हमें पॉइंट याद रखना है, हॉर्मोन्स क्या है? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स विच आर सेक्रीटेड बाई आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किस से सेक्रीट हो रहे हैं ये? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सेक्रीट हो रहे हैं। एंड वट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस, विच डायरेक्टली सेंड देयर सेक्रीशन इनटू द ब्लड। इनकी कोई डक्ट या ट्यूब नहीं होता है, जैसे लिवर का बाइल्स ये होते हैं, आपकी जो डक्ट्स होती हैं, ट्यूब होते हैं, उनमें उनकी सेक्रेशन या एंजाइम्स जाते हैं। हेयर दे आर डक्टलेस, उनकी कोई डक्ट या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर सिंपली सेंडिंग देयर सेक्रेशन
into the blood. Okay, now ये जो endocrine glands है, they are secreting a number of hormones, तो which are in your syllabus, we are going to talk about that. तो सबसे पहले हम बात करेंगे what are the different types of endocrine glands. Okay? तो सबसे पहले हमारे पास आता है, we will have a table here, एक table बनाते हैं हम, जहाँ पे हमारे पास आएगा endocrine gland का नाम, और simply you can write here gland, but this is endocrine gland. Okay, gland का नाम आ जाता है, then its position or location, where this gland is located in our body, हमारी body में ये gland कहाँ located होता है, we will see that. लोकेशन के बाद आपका आ जाता है नेम ऑफ द हार्मोन सेक्रीटेड, कौन कौन से हार्मोन या कौन सा हार्मोन ये सेक्रीट कर रहा है. नाउ द लास्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ दैट हार्मोन, उस हार्मोन के फंक्शन. और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं हमारे अंदर डिजीज़ भी फैलाते हैं, तो हम क्या बात करेंगे डिजीज़ के बारे में, कि जो डिजीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हो रही हैं इन हार्मोन्स के माल फंक्शनिंग, और जो उनकी सेक्रीशंस हैं उनमें कमी आने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से, एबनॉर्मेलिटी ऑफ द हॉर्मोन्स. आपको पता है हॉर्मोन्स से बहुत सारी हॉर्मोनल डिजीज़ होती हैं. आपने सुना होगा अबाउट थायराइड. थायराइड क्या होता है, दिस ऑफ टू काइंड्स, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म में पर्सन बिकम्स टू मच फैटी, और हाइपरथायराइडिज्म में द पर्सन बिकम्स टू मच थिन. तो वो चीज़ हार्मोन्स की वजह से डिजीज़ डिवेलप हो रही हैं, तो वी विल सी these diseases also. So first of all we are having the first endocrine gland, that is pituitary gland. बहुत सारे endocrine glands हैं, but जो आपके syllabus में हैं, we will talk about those glands today. In our next video I'll talk about other glands also, but these are very important as a point of view in board exam. तो board exam में आपके जो glands mainly पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में ले रहे हैं. द फर्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर ग्लैंड्स. ये बाकी ग्लैंड्स की जो फंक्शनिंग है उनको कंट्रोल कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हॉर्मोन सेक्रीट करता है. द वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज द ग्रोथ हॉर्मोन. जो मेन हॉर्मोन इसका है दैट इज ग्रोथ हॉर्मोन. सो ग्रोथ हॉर्मोन इज सेक्रीटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड. वट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन, इट रेगुलेट्स ह्यूमन ग्रोथ. ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ह्यूमन ग्रोथ को. हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ग्रोथ हॉर्मोन की वजह से हो रही है. इफ़ इट इज़ सेक्रेटेड इन अ स्मॉल अमाउंट, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हॉर्मोन कम अमाउंट में सेक्रेट हो रहा है, द पर्सन बिकम्स टू मच शॉर्ट, मीन्स वो ड्वार्फ बन जाता है. बोना, आपने वर्ड सुना होगा ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म मीन्स द पर्सन इज वेरी वेरी लिटिल इन अ साइज, तो वो ड्वार्फिज्म हो जाता है. तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, द डिजीज कॉल्ड इज नोन एज ड्वार्फिज्म. बहुत ज़्यादा अपने नॉर्मल साइज से बहुत छोटा होना ड्वार्फिज्म कहलाया जाता है. इफ़ ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, अगर ग्रोथ हार्मोन लार्ज अमाउंट में सेक्रेट हो रहा है, द पर्सन बिकम्स टू मच टॉलर, वो बहुत ज़्यादा लेंथ, उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, एंड दैट विल बी नोन एज जायंटिज्म. जायंट, बहुत बड़े, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है उसको जायंट बोला जाता है. तो डिजीज़ दो होंगी इसकी सेक्रीशन से, अगर इसकी कम सेक्रीशन है, कम अमाउंट में सेक्रीट हो रहा है ड्वार्फिज्म, पर्सन बहुत छोटा होगा अपनी नॉर्मल हाइट से, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में सेक्रीट हो रहा है तो जायंटिज्म, वो बहुत ज़्यादा टॉलर हो जाएगा. सेकेंड हॉर्मोन इज द सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायरॉयड. थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, ऑन द बोथ साइड ऑफ योर नेक. आपकी नेक के दोनों साइड थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बोथ साइड्स ऑफ नेक. एंड विच हॉर्मोन्स इट इज सेक्रेटिंग, ये जो हॉर्मोन सेक्रेट करता है उसका नाम होता है थायरोक्सिन.
ठीक है, थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म जो आपका डाइजेशन होता है फैट्स का उसको रेगुलेट करता है, एंड इफ इट इज सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट तो हो जाता है हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसमें पर्सन बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट में थायरोक्सिन सेक्रेट होगा, जितना भी आप फैट का इनटेक करोगे सारा का सारा फैट जो है इससे डाइजेस्ट हो जाएगा, तो पर्सन की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट हो, कम अमाउंट में सेक्रेट हो रहा है, द कंडीशन इज़ नोन एज हाइपोथायरॉइडिज्म। अगर ये लेस अमाउंट में होता है तो इसको हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं, और हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से जो पर्संस हैं दे बिकम टू मच फैटी, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आजकल की चल रही है हाइपोथायरॉइडिज्म। इससे क्या होता है, थायरोक्सिन का अमाउंट बॉडी में कम सेक्रेट हो रहा है, जिस वजह से क्या होता है, पर्सन के अंदर जो फैट का डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होगा, जितना ज़्यादा वो कार्बोहाइड्रेट या फैट का इनटेक कर रहा है वो सारा फैट डिपॉजिट होता चला जाएगा बॉडी में। क्लियर है ये। द थर्ड वन इज पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। जो आपके थायराइड ग्लैंड्स हैं, वन इज फ्रॉम राइट साइड एंड वन इज ऑन लेफ्ट साइड, दोनों के ऊपर दो दो पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ थायराइड। थायराइड के दोनों साइड प्रेजेंट होता है पैराथायराइड ग्लैंड, एंड द हॉर्मोन सेक्रेटिंग हेयर इज पैराथॉर्मोन। और पैराथॉर्मोन जो सेक्रेट हो रहा है उसका फंक्शन क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से हमारा जो टीथ है, बोन्स हैं, उनकी हेल्थ डिपेंड करती है। एंड व्हेन इट इज सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट तो हमारी बोन्स और टीथ की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, एंड इफ इट इज इन लेस अमाउंट तो वहाँ पे जो है इफेक्ट पड़ेगा टू द हेल्थ ऑफ बोन्स एज वेल एज ऑन द टीथ। ऐसी कोई पर्टिकुलर बीमारी इसके लिए नहीं होगी। द फोर्थ वन विल बी, फोर्थ आपका आ जाता है थाइमस। थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द चेस्ट एंड द नेक, नेक और चेस्ट के बीच में, बिटवीन चेस्ट एंड नेक रीजन। हार्मोन जो सेक्रेट होता है उसका नाम भी यहाँ पे थाइमस ही होता है, एंड इट्स फंक्शन इज टू मेंटेन द इम्यून सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए ये हार्मोन ज़रूरी होता है थाइमस। तो थाइमस क्या है, इट्स अ हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड एंड विच हेल्प्स टू मेंटेन आर इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के काम जो आता है, दैट काइंड ऑफ हार्मोन इज नोन एज द थाइमस, एंड इट इज ऑल्सो सेक्रेटेड बाय द थाइमस विच इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब पर्सन आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन यहाँ आ भी जाता है, वाई डू द चिल्ड्रन और द इन्फेंट्स हैव लार्जर थाइमस। इन्फेंट का जो थाइमस होता है वो थोड़ा बड़ा दिखता है, दे एंड इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग इन द एडल्ट्स, और एडल्ट्स में वो थोड़ा सिकुड़ता चला जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज द चिल्ड्रन नीड मोर इम्यूनिटी। आपको पता है कि बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, आपने सुना भी होगा अभी एज रिलेटेड टू द कोरोना वायरस और COVID-19, तो आप सब बच्चे और बूढ़े इसकी चपेट में ज़्यादा आते हैं, किसी भी आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसमें। तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम होता है चिल्ड्रन का वो या इन्फेंट्स का वो बहुत वीक होता है, सो दे हैव लार्जर थाइमस, एंड धीरे धीरे क्या होता जाता है, यही थाइमस कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है बिकॉज द एडल्ट्स डू नॉट नीड मोर इम्यूनिटी। ठीक है, ये दिस इज द फोर्थ वन। नाउ वी हैव द फिफ्थ वन एंड दैट इज द पेंक्रियास। इफ दीज आर क्लियर यू मे राइट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। वी विल टॉक अबाउट द फिफ्थ हार्मोन। फिफ्थ हार्मोन हमारा आता है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बेस ऑफ द ब्रेन,
प्रेजेंट होता है ब्रेन के बेस पे, ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है विच रेगुलेट्स ह्यूमन ग्रोथ, कम सेक्रीट हो रहा है देन ड्वार्फिज्म, ज़्यादा सेक्रीट हो रहा है देन इट कॉजेज जायंटिज्म. सेकेंड होता है थायराइड विच इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेक, थायरोक्सिन रिलीज करता है ये, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म. अगर ये कम अमाउंट में सेक्रीट हो रहा है पर्सन बिकम्स मोर फैटी एंड द कंडीशन इज नोन एज द हाइपोथायरायडिज्म. इफ इट इज सेक्रीटेड इन मोर अमाउंट द कंडीशन इज नोन एज द हाइपोथायरायडिज्म और उसमें पर्सन बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है. फोर्थ वन इज पैराथायराइड. पैराथायराइड इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द थायराइड. द हार्मोन सेक्रीटेड हेयर इज पैराथोहार्मोन एंड इट्स रेगुलेशन इज द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. एंड अगर ज़्यादा होगा तो अच्छी बोन्स की हेल्थ होगी और कम होगा तो कम. द नेक्स्ट वन इज थाइमस. इट इज़ बिटवीन चेस्ट एंड नेक रीजन. चेस्ट और नेक के बीच में थाइमस होता है. थाइमस ही हॉर्मोन ये रिलीज करता है एंड इट मेंटेन्स आर इम्यून सिस्टम. दैट्स वाई द इन्फेंट्स हैव लार्जर थाइमस. नाउ द फिफ्थ हॉर्मोन, फिफ्थ एंडोक्राइन ग्लैंड आई मस्ट से, फिफ्थ एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारा वो आता है आपका पेंक्रियास. द फिफ्थ एंडोक्राइन ग्लैंड इज पेंक्रियास. पेंक्रियास इज अ डुअल ग्लैंड. पेंक्रियास को डुअल ग्लैंड कहा जाता है. क्यों कहा जाता है पेंक्रियास को डुअल ग्लैंड? क्योंकि पेंक्रियास दो फंक्शंस कर रहा है. इट इज एक्टिंग एज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी, दोनों की तरह ही काम कर रहा है. दैट्स वाई इट इज नोन एज अ डुअल ग्लैंड. दिस क्वेश्चन हैज मेनी टाइम आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. तो अब आपका पेंक्रियाज आता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वहां पे ये क्या सेक्रीट कर रहा है? इट इज सेक्रीटिंग पेंक्रियाटिक जूस, जिसमें आपका जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं विच हेल्प्स इन डाइजेशन. सेकेंडली इट इज फॉर्मिंग द हॉर्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकेगॉन. पेंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द स्टमक. स्टमक के नीचे पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है एंड इट रिलीजेस टू हॉर्मोन्स. वन इज इंसुलिन, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा डायबिटीज से रिलेटेड, एंड द सेकेंड वन इज ग्लूकेगॉन. एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकेगॉन. See, these endocrine glands are secreting many hormones, but we are talking about very few which have often been asked in the board examination. Insulin kya karta hai? It helps in regulating the blood sugar level. So ye kya karta hai? Regulates blood sugar level. Means agar blood mein sugar level zyada ho jata hai, sugar zyada ho jati hai, to ye usko kam kar deta hai. Aur glucagon kya karta hai? Usko badha deta hai. Increases ब्लड शुगर लेवल. वो कम कर रहा है इंसुलिन, ब्लड शुगर को कम करता है. ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर को बढ़ाता है. ओके, इसी वजह से दो टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, रियल टाइप वन एंड टाइप टू डायबिटीज़. तो यही चीज़ है यहाँ पे. अगर इंसुलिन कम अमाउंट में सेक्रीट हो रहा है देन व्हाट विल हैपन? द शुगर लेवल विल राइज इन द बॉडी. शुगर लेवल राइज हो रहा हो जाएगा. और अगर इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में सेक्रीट होगा देन ब्लड शुगर लेवल विल बिकम लेस. तो यही चीज़ आपकी डायबिटीज़ वन और टू के नाम से जानी जाती है. नाउ वी हैव द सिक्स्थ एंडोक्राइन ग्लैंड. और सिक्स्थ एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन बोथ द किडनीज. दोनों किडनी अबव बोथ द किडनीज, दोनों किडनीज के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है एड्रीनल. एंड द हॉर्मोन सेक्रीटेड हेयर इज एड्रीनालिन. एड्रीनालिन यहाँ पर सेक्रीट होता है, जिसे स्ट्रेस हॉर्मोन भी कहा जाता है. स्ट्रेस की कंडीशन में सपोज आपको किसी चीज़ से डर लगता है, सपोज यू आर स्केर्ड ऑफ द डॉग्स, डॉग से आपको डर लगता है, तो कुत्ता कोई डॉग आप देख रहे हैं वो आपके पीछे बढ़ गया है, देन एड्रीनालिन इज रिलीज बाय द एड्रीनल ग्लैंड. स्ट्रेस हॉर्मोन होता है और ये हमें हेल्प करता है उस सिचुएशन को डील करने के लिए डर की. इसीलिए हम बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, पसीना आ जाता है एंड वी फील क्वाइट स्ट्रेस एट दैट टाइम. तो वहाँ पे एड्रेनालिन रिलीज होता है, ये उस सिचुएशन को कोप अप करता है. ये क्या काम करता है? सिग्नल्स देता है टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम के वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए हमारा ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाता है. और जब ये चीज़ें हमें मिलने लगती हैं देन वी बिकम नॉर्मल. तो एड्रेनालिन का फंक्शन क्या होता है? टू रेगुलेट
स्ट्रेस का रेगुलेशन जो होगा वो एड्रेनालिन से होगा। अब जो हमारा लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आता है वो ह्यूमन बींग्स में मेल्स में अलग होगा और फीमेल्स में अलग। मेल्स में जो हॉर्मोन होगा उसको बोला जाएगा टेस्टिस, एंडोक्राइन ग्लैंड सॉरी, एंड फीमेल्स में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा दैट विल बी नोन एज ओवरी। ठीक है, दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसमें से जो टेस्टिस है दैट इज आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो होते हैं आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट अबाउट द ओवरीज, ओवरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। फीमेल्स में जो ओवरीज होते हैं वो इनसाइड द एब्डोमिन होते हैं और मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिन होते हैं। तो ये होंगे इनसाइड एब्डोमिन हॉर्मोन्स। टेस्टिस जो हॉर्मोन बना रहा है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। एंड ओवरी जो हॉर्मोन बना रहे हैं दिस आर टू, देर आर मेनी हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी, बट जो दो आपको पढ़ने हैं द फर्स्ट वन इज ओएस्ट्रोजन एंड द अदर वन इज प्रोजेस्टेरोन। एक होता है ओएस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ओएस्ट्रोजन क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन पहले, व्हाट डज टेस्टोस्टेरोन डू, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे दाढ़ी मूछ का आना, द डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मस्टेशस एंड द वॉइस। आपने देखा है कि मेल्स की वॉइस और फीमेल्स की वॉइस में डिफरेंस होता है, तो वो जो मेल्स की वॉइस का डिफरेंस है वो टेस्टोस्टेरोन करता है। एक्स्ट्रा मस्कुलर बॉडी, मसल्स ज़्यादा होते हैं मेल्स में, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल कर रहा है। हेयर ग्रोथ, एवरीथिंग विच इज़ अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल इज कंट्रोल्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये कंट्रोल करेगा। देन ओएस्ट्रोजन फीमेल्स में वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा। एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड की जो बर्थ होती है उसको कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरोन। सो वी टॉक्ड अबाउट दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, पेंक्रियाज। कहाँ प्रेजेंट है, ब्लो द स्टमक। हॉर्मोन्स रिलीज इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर रहा है, ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, एंड दे आर कॉजिंग द डायबिटीज अकॉर्डिंग टू देयर सेक्रीशन। ज़्यादा सेक्रेट हो गया इंसुलिन मीन्स ब्लड शुगर लेवल विल फॉल डाउन। अगर कम सेक्रेट हो गया इंसुलिन दैट मीन्स द ब्लड शुगर लेवल विल इंक्रीज। एड्रीनल ग्लैंड अबव बोथ द किडनीज, दोनों किडनीज के ऊपर होगा। एड्रेनालिन हॉर्मोन विल बी सेक्रेटेड बाय इट एंड इट विल रेगुलेट आवर स्ट्रेस सेशन, जो हमारा स्ट्रेस होती है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। देन टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होंगी मेल्स में, ओवरी इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होंगी फीमेल्स में। टेस्टिस विल रिलीज टेस्टोस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन करेगा मेल्स में। ओवरी विल रिलीज ओएस्ट्रोजन विच विल हेल्प इन मेंटेनिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन विच हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। तो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम इन डिटेल। टिल देन हैव अ वेरी वंडरफुल डे अहेड।